हेलो बच्चों, आज हम दशहरे के अवसर पर क्राफ्ट करेंगे जिसमें हम रावण बनाएंगे इन कप से। इसके लिए मैंने 3 कप लिए हैं, कुछ ग्लिटर पेपर लिए हैं जिसमें मैंने गोल्डन कलर, ग्रीन कलर और ब्लू कलर लिया है। सीजर की ज़रूरत है हमें, मार्कर, ब्लैक मार्कर और एक कलर, रेड कलर लिया है मैंने, फेविकॉल टेप और 2 क्राफ्ट पेपर्स मैंने ऑरेंज और ग्रीन कलर कर लिया। अब हम इन 2 कपों को इस तरह से टेप से जोड़ देंगे और इन पर मैंने ये कलर कर लिया है। इस तरह से आपको कलर कर लेना है, टेप लगाई है, फिर उसके बाद हम ऐसे कलर कर लेंगे। अब हम ग्रीन पेपर और एक कप लेंगे। इस तरह से हम ग्रीन पेपर चढ़ा लेंगे एक कप पे और पेपर कटर या फिर सीजर से भी आप दोनों तरफ कट लगा लेंगे, कम से कम इतना इतना लगा लेंगे हम। फिर हम इसमें एक पतली सी पट्टी काट के इसमें हम इस तरह से इसमें डाल देंगे। इस पट्टी के नाप का आप कट लगाइएगा कि आराम से इसमें ऐसे चली जाए और दूसरी साइड से इसको हम निकाल लेंगे। ये इस तरह से हम इसमें डाल लेंगे और अब क्या करेंगे, हम इनकी आईज बनाएंगे, नोज और इनका मुंह बनाने के लिए वाइट पेपर लेंगे। इस तरह से मैंने आईज के लिए ऐसे जैसे चंदा मामा होता है इस तरह से मैंने ड्रॉ कर लिया है। ये डबल है पेपर और हम इसको काट लेंगे। इस तरह से हम इसको चिपका लेंगे और सेंटर में हम इनके सर्कल कर लेंगे। और ऐसे हम रावण की मूंछें बनाएंगे और नीचे इस तरह से गोलाई में लेते हुए ऐसे इसका मुंह बनाएंगे और इनको हम कट कर लेंगे। अब हम एक ऑरेंज पेपर लेंगे या रेड, जो भी आपके पास है, और उसको हम इस तरह से कोन जैसे बनाते हैं, इस तरह से यहाँ पे इसको चिपका देंगे। इस तरह से हम सेंटर में नोज को लगा लेंगे और अब जो हमने ये मुझे और ये मुंह बनाया था इसको हम इस तरह से नोज के अंदर इस तरह से करके ऐसे पेस्ट कर देंगे। अब हम मार्कर से ऐसे फेसेस ड्रॉ कर लेंगे। एक तरफ मैंने 5 फेस ड्रॉ किए हैं और एक तरफ मैंने 4, और इनको हम यहाँ से ऐसे करके कट कर लेंगे। इस तरह से हम फेसेस को कट कर लेंगे। अब हम गोल्डन कलर का ग्लिटर पेपर लेंगे और इनका मुकुट बनाएंगे। इस तरह से हम गोल्डन पेपर कटिंग करके उसके फेस के अकॉर्डिंग इस तरह से लगा लेंगे और बीच में इस तरह से हम गोल्डन पेपर लगा देंगे। अब क्या करना है, सेंटर में मैं ब्लू कलर का ग्लिटर पेपर लगा रही हूँ। इस तरह से ग्लू लगा के, और आपको आपके पास अगर कलरफुल टेप है तो आप वो भी इसमें यूज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक रेड कलर की पट्टी ले रही हूँ और उसको हमें इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। ऐसे, और यहाँ पे हम ग्लू लगा के इसको चिपका देंगे। पेपर कटर से हम यहाँ पे ऐसे कट लगा लेंगे दोनों साइड जैसे हमने फेस में किया था, और इसको हम इस तरह से अंदर डाल। इस तरह से इसको बाहर निकाल लेंगे और ये रावण के हाथ बन जाएंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। उससे पहले हमें यहाँ पे और भी मैं ग्लिटर पेपर लगाऊंगी।
आपके पास कलर फुल टेप है तो वो लगा सकते हैं। यहाँ मैंने सर्कल लिया है गोल्डन पेपर से और एक तलवार बनाई है जो हमें उसके हाथ में चिपका देनी है रावण के। इस तरह से हम इसको पेस्ट कर देंगे और हमारा रावण तैयार हो जाएगा।